शहर के गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को नई फिल्म देखने को नहीं मिल पाएगी। कारण है कि शहर का वो रिगल टॉकीज जो आज भी 30 रुपये में स्टॉल, 50 रुपये में DC और 70 रुपये में बालकनी में रोज़ नई फिल्में दिखाता था, वो आज से बंद हो गया है। अब अगर गरीबों और मध्यम वर्ग को नई फिल्म देखना हो तो मल्टीप्लेक्स में 150 से 500 रुपये तक खर्च करने होंगे। रिगल टॉकीज एकमात्र शहर का ऐसा टॉकीज बचा था जो शहर के अन्य सुविधायुक्त मल्टीप्लेक्स को नई फिल्म में लगाकर लगातार टक्कर दे रहा था। आज रिगल टॉकीज नगर निगम की टेढ़ी नज़र की बलि चढ़ गया। बताया जाता है कि उमा शशि शर्मा के महापौर रहते उक्त टॉकीज की लीज निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। हालांकि लीज धारक रिगल टॉकीज प्रबंधन ने कभी भी शर्तों का उल्लंघन नहीं किया, नहीं इस भूमि पर निगम द्वारा कभी भी कोई भी योजना प्रस्तावित नहीं की गई। इसके बावजूद भी नगर निगम रिगल टॉकीज की लीज निरस्त करने पर आमदा रहा। बेहतर होता कि नगर निगम इस टॉकीज को बंद करने की बजाय अपने अधीन लेकर शहर के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सिनेमा दिखाना जारी रखता। लेकिन निगम ने ऐसा ना करते हुए आज सुबह रिगल टॉकीज पर ताले जड़ दिए और आज से ही इस टॉकीज का पर्दा हमेशा के लिए बंद हो गया। रिगल टॉकीज के इतिहास की बात करें तो रिगल टॉकीज की शुरुआत महाराजा यशवंतराव होलकर के समय से मानी जाती है। उनका सपना था एक बड़े टॉकीज का निर्माण करना। इस सपने को पूरा करने के लिए सेठ धन्नालाल ठकुरिया आगे आए थे और 1930 में होलकर स्टेट ने ये जमीन उन्हें दी थी और इस थिएटर में पहली पिक्चर हरीशचंद्र लगी थी। इसके आसपास और भी थिएटर थे लेकिन इस थिएटर के शहर के बीचों बीच होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ फिल्में दिखाना ज़्यादा सही समझते थे और पूरे देश से पहले इंदौर में एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को पिक्चर रिलीज होती थी। लेकिन ये सिलसिला अब थम चुका है क्योंकि रिगल पर नगर निगम ने कब्जा कर लिया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.